और जहाँ जहाँ हिंदुस्तान बोलता है वहाँ वहाँ एक आवाज़ बोलती है जो ये कहती है कि कह दो मीरो गालिब से हम भी शेर कहते हैं, वो सभी तुम्हारी थी ये सभी हमारी है। ऐसा कोई मुल्क नहीं है, ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ उर्दू बोली जाती हो, जहाँ उर्दू सुनी जाती है, जहाँ शायरी पसंद की जाती हो, जहाँ शायरी नवाजी जाती हो, वहाँ भाई मंजर भोपाली को ना नवाजा जाता हो। आपकी भरपूर तालियों के बीच, आपके इस्तकबाल के बीच भाई मंजर भोपाली। हजरात, एक अरसे से हैदराबाद हाजिरी दे रहा हूँ और आज फिर आपकी खिदमत में हूँ। एक मतला और दो शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाइएगा कि वो सारे माजी के कर्जे चुकाना चाहता है, वो सारे माजी के कर्जे चुकाना चाहता है, वो सारे माजी के इधर ये दिल के मोहब्बत निभाना चाहता है। क्या कहने, वाह वाह। इधर ये दिल के मोहब्बत निभाना चाहता है। और ये शेर आपके हवाले से सरहद के उस पार भेज रहा हूँ, समाप्त मैया। मुझे तो प्यार के रिश्तों पे है यकीन बहुत, मुझे तो प्यार के रिश्तों पे है यकीन बहुत, मेरा पड़ोसी मगर हूँ बहाना चाहता। ओ हो हो, वाह 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 वाह, क्या कहने मंजर भाई, फिर अता हो। मुझे तो प्यार के रिश्तों पे है यकीन बहुत, मेरा पड़ोसी मगर हूँ बहाना चाहता है। हम उसके आगे झुकें मुनकरे खुदा बन जाएं, हम उसके आगे झुकें मुनकरे खुदा बन जाएं, यही तो हमसे ये जालिम जमाना चाहता है। क्या कहें, यही क्या तो हमसे ये जालिम जमाना चाहता है, यही तो हमसे ये जालिम जमाना चाहता है। वाह, पहली बार तो शेर पढ़ने की हिम्मत कर रहा हूँ हैदराबाद में। हैदराबाद बुनियाद है उर्दू की। मुझसे कल किसी टेलीविज़न चैनल वालों ने पूछा था कि उर्दू के बारे में आपका क्या ख्याल है। मैंने कहा था कि हैदराबाद जब तक सलामत है, हैदराबाद के लोग जब तक सलामत हैं, उस वक्त तक उर्दू सलामत है। और खुदा से दुआ है कि आप क़यामत तक सलामत रहें, आपका शहर क़यामत तक सलामत रहे, ये महफिलें इसी तरह सकती रहें। तो एक शेर मैं पेश कर रहा हूँ। वसीम साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, नवाज भाई हैं, पॉपुलर साहब हैं, बाल अशर हैं। ये मतला देखिएगा। अच्छा, वो डर रहे हैं खुदा के करम के होते हुए, वाह, वो डर रहे हैं खुदा के करम के होते हुए, जो लोग सच नहीं लिखते कलम के हो। वाह 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 वाह, लोग सच नहीं लिखते कलम के होते हुए, अब और कैसे मोहब्बत जताए हम आखिर, अब और कैसे मोहब्बत जताए हम आखिर, हमारे हाथ में है फूल बम के होते हुए, हमारे हाथ में है फूल बम के होते हुए। हजरत, एक मतला और एक शेर पेश कर रहा हूँ, समाप्त मैगा। ये मतला है आपके बहुत ही महबूब रहनुमा जो आंधियों में भी अपना चिराग जलाए हुए हैं,
आपकी दुआएं वाकई में बहुत ही कामयाब होती हैं। हैदराबाद की दुआएं अगर हम लोगों को लग जाएं तो हम भी वहां पहुंच जाएं। आपने ऐसी महबूब शख्सियत को हिंदुस्तान के हवाले कर दिया कि मिटाए ना मिटता है, न किसी से खौफ खाता है, वो आंखों में भी जलता रहता है। मेरा ये मतलब भी हम तमाम शोरा की तरफ से है, अगर ये अच्छा लगे तो अमरीका तक आवाज़ जब पहुँच जाए क्योंकि वह वहाँ मौजूद हैं। मुलाजा फरमाएगा, करम जो हम पे बहुत सर फिरी, करम जो मुझे पे बहुत सर फिरी, हवा का है। वाह 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 वाह। करम जो मुझे पे बहुत सर फिरी, हवा का है, उसे बता दो के ये पेड़ मुस्तफा का। क्या कहने क्या कहने। उसे बता दो के ये पेड़ मुस्तफा का है। उसे बता दो के ये आंधियों के बुझाने से बुझ नहीं सकता, ये आंधियों के बुझाने से बुझ नहीं सकता, ये जो चराग है रोशन मेरी दुआ। क्या कहने। वाह 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 मंजर भाई। वाह वाह रोशन मेरी दुआ का है, उन्हीं के दम से पाकीज़गी अभी कायम, उन्हीं के दम से है, उन्हीं के दम से पाकीज़गी अभी कायम, लिबास जिन बदन पर अभी हया का है, लिबास जिन के बदन पर अभी हया का है। ओ शेर मिला रखम इरशाद, यजीद वक्त के आगे में झुक नहीं सकता, यजीद वक्त के आगे में झुक नहीं सकता, मेरे मिजाज पे एहसान कर बला का है, मेरे मिजाज पे एहसान कर बला का क्या मेरे मिजाज पे एहसान कर बलाता है। एक मतलब और एक शेर और उसके बाद एक गजल पेश करूँगा। मुलाजा फरमाइएगा, ये जो मेरे ताज़ा दो तीन शेर हैं समाप्त फरमाइएगा। इरशाद, प्यार खुशबू से तो फूलों से मोहब्बत कर ले, प्यार खुशबू से तो फूलों से मोहब्बत कर ले, फिर सुलगते हुए माहौल को जन्नत कर ले, फिर सुलगते हुए माहौल को जन्नत कर ले, हम तो अल्लाह भरोसे पे जलाते हैं जरा, हम तो अल्लाह भरोसे पे जलाते हैं चरा, आप तो अपने चरागों की हिफाजत कर ले। क्या कहने भाई। वाह 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 वाह। चरागों की हिफाजत कर ले। और आज इस शेर के लिए मैंने ये दो शेर की जहमत दी। मुलाजा फरमाइएगा, हम इसी मिट्टी
ठीक है, बार बार कहा जा रहा है कि आप जाइए सरहद के उस पार चले जाइए। हम सरहद के उस पार क्यों जाएं? हम जाएंगे भी तो आपको लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा जन्म जन्म का नाता तो इसी मिट्टी से है। अगर आप भेजना चाहते हैं तो आप भी हमारे साथ चलिए, जब तो मज़ा आएगा, जब अच्छा लगेगा। लादा फरमाएगा, हम इसी मिट्टी के दफन इसी में होंगे, हम इसी मिट्टी के दफन इसी में होंगे, अब तो मुमकिन ही नहीं है कहीं हिजरत कर ले, अब तो मुमकिन ही नहीं है कहीं हिजरत कर ले, उसको मालूम है हर शख्स की नीयत मंजर, उसको मालूम है हर शख्स की नीयत मंजर, लोग कितना ही तमाशा इबादत कर ले, लोग कितना ही तमाशा इबादत कर ले। हजरत मुझे गजल के लिए हुक्म है, मगर मैं एक दो शेर बिल्कुल आपके लिए पेश करके फिर वो गजल पेश कर देता हूँ, समाप्त होएगा। मुलाजा फरमाए, ये एक मतला और दो तीन शेर हैं जी, और क्योंकि आज के हालात में है इसलिए पेश कर रहा हूँ, समाप्त होएगा। इरशाद, अब आसमानों से आने वाला कोई नहीं है, अब आसमानों से आने वाला कोई नहीं है, अब उठो के तुमको जगाने वाला कोई नहीं है, उठो के तुमको जगाने वाला कोई नहीं है, मुहाफिज अपने हो आप ही तुम, ये याद रखो, मुहाफिज पड़ोस में भी बचाने वाला कोई नहीं है, पड़ोस में भी बचाने वाला कोई नहीं है। और शेर आपकी नजर है और फिर ये अमरीका की नजर है, समाप्त नहीं है। जो अमरीका में आपके मेहमान जाके बैठे हैं, आपके नुमाइंदे, ये उनकी नजर है। मुलाजा फरमाइएगा, तुम्हारे सर पर है जब तलक साया रिसालत, तुम्हारे सर पर है जब तलक साया रिसालत, तुम्हारे सर पर है जब तलक साया रिसालत, तुम्हें जमीन पर मिटाने वाला कोई नहीं है, जमीन पर मिटाने वाला कोई नहीं है, तुम्हारा हादी तुम्हारे सर पर है जब तलक साया इमाम रिसालत, तुम्हारे सर पर है जब तलक साया रिसालत, तुम्हें जमीन पर मिटाने वाला कोई नहीं है, तुम्हें जमीन पर मिटाने वाला कोई नहीं है, तुम्हारा सिर्फ कुरान
के और रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है, के और बहुत बहुत शुक्रिया। रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है, आखिरी शेर है, किया है साबित ये करबला ने के मोमिनों को, किया है साबित ये करबला ने के मोमिनों को, सिवा खुदा के झुकाने वाला कोई नहीं है। वाह वाह।